बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम ऑल फर्स्ट ईयर्स और मैकेनिकल सेकेंड ईयर। मैकेनिकल सेकेंड का चैप्टर नंबर 5 है, रोटेशन मोशन, और तमाम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है। आज हम रोटेशन मोशन पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशनशिप कायम की थी, और हमने एक बॉडी कंसीडर की थी जिसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि जिसको हम आई से जाहिर करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ, इसको हम रेजिस्ट की बात करेंगे। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, जब हम उसको मोशन में देंगे तो वो रेजिस्ट करेगी, जब हम मोशन से रेस्ट में लाएंगे तो डेफिनेटली वो रेजिस्ट करेगी। अब यहाँ पे रोटेटिंग बॉडी है जो कि रेजिस्टेंस शो करती है, इसको हम रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मैस, कैपिटल मैस एम। अगर हमने इस बॉडी को स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया और इस तरह डिवाइड किया कि तमाम पैचेस का जो मैस है वो इक्वल है, जिसको हम m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m4 is equal to and so on up to mn, क्योंकि ये डिफरेंट मैसेस को हम बराबर कंसीडर कर रहे हैं इसलिए इन सब को एक m के बराबर रख लेते हैं। तो आपको याद होगा जब हम टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तो उसके मुताबिक टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा। तो जो आई था मैंने आपको वहां पे बाकायदा लेके दिखाया था कि सबमिशन आई इक्वल टू 1 टू n mi r i स्क्वायर इनटू अल्फा। तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, जो कि आपके पास आई इज इक्वल टू सिग्मा या सबमिशन आई इक्वल टू 1 टू n mi r i स्क्वायर। अब हम आई की वैल्यू अगर 1 रखें तो m1 r1 स्क्वायर आ जाएगा। अगर i की वैल्यू हम m2 रखते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ m2 r2 स्क्वायर आएगा, बल्कि जो पिछली टर्म है वो भी शामिल होगी। सबमिशन की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि इवन आप i इक्वल टू 10 रखते हैं तो m10 r10 स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन आखिरी टर्म तक, पिछले तमाम टर्म्स उसमें जो है वो शामिल होती हैं। लिहाजा हमने इसमें चूंकि आई आपके पास इंटीजर है, एक से लेके एन तक है, वो वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन स्प्लिट हो जाएगी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 हम कह रहे हैं। तो अभी हमने मैसेज को इक्वल रखा, उसके मुताबिक जो इक्वेशन ए है अब वो बन जाएगी आई इज इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर अल्फा एम आर वन स्क्वायर प्लस mr2 square plus mr3 square and so on mrn square, क्योंकि हमने अल्फा को तो वहीं खत्म कर दिया था क्योंकि इसके साथ अल्फा का कोई ताल्लुक नहीं है, और जो भी रिजल्ट होती है बॉडीज होती है उसमें अल्फा हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए mr1 square और से लेके mrn square तक, क्योंकि तमाम मैसेस कॉमन है, बराबर है, उनको हमने कॉमन ले लिया, तो mn is equal to r1 square plus r2 square plus r3 square and so on rn square। अब आप देखेंगे चूंकि हमने ये हमने किया कि masses equal हैं, n masses तक हैं, ये तो possible है कि हम तमाम masses को equal हम रखें, मगर ये मुमकिन नहीं है कि हर mass का जो center से फासला है वो भी बराबर रखें, ये possible नहीं है। इसलिए m1 का जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा या रेडियस होगा फ्रॉम सेंटर वो r1 होगा, m2 का r2 होगा, m3 का r3 होगा, m4 का r4 होगा, m10 का r10 होगा, m100 का r100 होगा, अप टू mn का rn होगा। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते क्योंकि बॉडीज की पोजीशन अपनी जगह पर बरकरार है। ये जरूर है कि हमने उनकी मैसेस को इक्वल कर दिया, मगर उनके डिस्टेंसेस को इक्वल नहीं कर सकते, वो हमेशा अपने अपने जगह पर बरकरार रहेगी, पोजीशन की मेंटेन रहेगी। लिहाजा हमने यहां पर एम को कॉमन ले लिया,
कॉमन रहने के बाद अब आपके पास ये, अब चूंकि बॉडी एक है इसका अगर हम तमाम रेडियस का अगर हम एवरेज ले लें तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ जो बॉडीज होती हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, उन सब को जमा करते हैं और उतने नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये n रेडियस तक है लिहाजा डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन इस तरह इक्वल नहीं हो सकती, बैलेंस नहीं हो सकती जब तक कि हम इसके साथ n को मल्टीप्लाई ना करें। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाय n ताकि ये एवरेज भी आ सके और इक्वेशन भी बैलेंस हो सके। तो ये m n बन गया जो कि जिसको हमने कैपिटल m पूरी बॉडी का ये भी हमने इसका एवरेज ले लिया। तो mn जिसको हमने कैपिटल m से सेट किया, ये आपके पास ये जो तमाम रेडियस हैं इसको हमने r स्क्वायर या कुछ बुक्स में है m k स्क्वायर। तो यहाँ जो k है या जो r है ये बेसिकली रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, विद k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ डायरेक्शन। तो हम यहाँ से अगर k निकालें या r निकालें तो क्या होगा कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इसमें हम लिखते हैं k स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन rn स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा k इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस rn स्क्वायर अंडर रूट। ये जो k है इसको हम कह रहे हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन। अब रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ये हर उस बॉडी का रेडियस होगा जो रोटेट कर सकती है। तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन को हम k से सेट कर रहे हैं। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनका स्क्वायर और उसका भी मीन का अंडर रूट लेकर तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास रेडियस ऑफ डायरेक्शन कहलाएगी। अगर हम यहां से रेडियस ऑफ डायरेक्शन लिखे क्योंकि आपके पास i = m k² या m r² है तो यहां पे k को हम सेपरेट कर लें तो k is equal to i over m, ये n यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो k is equal to i over m। चूंकि यहां पे k² है तो जब हम दोनों का अंडर रूट ले लेंगे तो k² अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो k is equal to i over m अंडर रूट हो जाएगा। इसको हम रेडियस ऑफ डायरेक्शन कह रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर मैकेनिकल सेकंड में जाएंगे तो हम लॉस पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, रोटेशन के जो थ्योरम है पैरेलल थ्योरम और परपेंडिकुलर थ्योरम और जो जो आपके पास तमाम फर्स्ट ईयर है जब वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर तकरीबन मुकम्मल हो गया है। तो न्यूमेरिकल्स होंगे, उम्मीद है कि आप न्यूमेरिकल सारे हल कर पाएंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझे बताइएगा। एक न्यूमेरिकल के बारे में कुछ स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वो इंशाल्लाह जब वो न्यूमेरिकल नंबर 2 होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले, बल्कि कोशिश करूंगा कि तमाम न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले मैं न्यूमेरिकल हल करके आपके सामने पेश करूँ। तब तक अल्लाह हाफिज़।